नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। तो चलिए, इस वीडियो में हम रक्षाबंधन पर निबंध लिखना सीखेंगे। रक्षाबंधन हिंदुओं का एक पवित्र एवं प्रमुख त्यौहार है। श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। यह त्यौहार हर साल अगस्त के महीने में मनाया जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के बीच प्यार और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र राखी बांधती हैं। राखी बांधने के साथ ही बहनें अपने भाइयों की कुशलता की कामना करती हैं और भाई जीवन भर अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देता है। रक्षाबंधन पर विभिन्न प्रकार के पकवान और मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं। इस दिन राखियों और मिठाइयों की दुकानें लोगों की भीड़ से भरी होती हैं। सभी धर्मों के लोग इसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, रक्षाबंधन के त्यौहार पर निबंध की ये 10 लाइनें आप अपनी नोटबुक में लिखें और इन्हें याद करें। आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।